हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2018 पे बात करेंगे। देखिए, क्योंकि ये अभी हाल का ही इवेंट है और आप जानते हैं कि एग्जाम्स के पास में जो इवेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और फिर इन्वायरमेंट से तो अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं। तो ऐसे में जो आपका यूपीएससी का, आईएएस वगैरह का जो एग्ज़ाम है, इसके साथ ही जो पीसीएस का एग्ज़ाम है, आरओ है, एआरओ है, इस तरह के एग्ज़ाम, यानी कई सारे एग्ज़ाम अब होने वाले हैं, तो उन सारे एग्जाम्स के लिए देखिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए मैंने इसके बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की है, और इसके अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन दिया उसमें जो जो बातें कही हैं उन सभी को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, खासकर ऐसी बातें जो पूछी जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ये एक तरह से एक चर्चा का मंच है, और ये कैसे प्रकाश में आया, तो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी कि TERI, तो ये पहले भी एक समिट का आयोजन करती थी, लेकिन इसका नाम हुआ करता था डेली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। तो इसी का नाम बदल के कर दिया गया वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, यानी WSDS कहा जाने लगा। पहले यह DSTS होता था, डेली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, और अब ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहा जाने लगा। और ये भी याद रखिए कि इसका आयोजन TERI द्वारा किया जाता है, एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट की थोड़ी सी बेसिक बातें अभी हम जानेंगे। तो देखिए, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चर्चा का एक मंच है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हो गया इस तरह से विकास करना, इस तरह का धारणीय विकास की प्रकृति को ध्यान में रख के विकास किया जाए, प्रकृति की कीमत पे नहीं। यानी कि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो इन्वायरमेंट है यानी कि जो वातावरण है, कहीं उसे हमारे विकास से क्षति ना पहुंच जाए। तो देखिए, जो WSDS है, इसके अंतर्गत चाहे नोबेल लॉरेट्स हों, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, पॉलिटिकल लीडर हों, डिसीजन मेकर हों, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लोग हों, बिजनेस लीडर हों, तो इस तरह से अलग अलग फील्ड के कई सारे लोग आते हैं और अपनी अपनी बातों को रखते हैं। और एक ये इस तरह से डिस्कशन का मंच है, ये याद रखिए। और इसमें केवल याद रखिए कि ग्लोबल लीडर्स ही नहीं आते हैं, बल्कि अलग अलग फील्ड्स के एकेडमिक लोग और बिजनेसमैन लोग, सभी लोग भाग लेते हैं। तो देखिए, जब देशों ने एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अडॉप्ट कर लिया, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत कुछ लक्ष्यों को अपने लिए रखा, और इसी तरह से पेरिस एग्रीमेंट हुआ, यानी पेरिस एग्रीमेंट में भी देखिए कुछ लक्ष्य रखे गए हैं कि हम अपना कार्बन इमिशन इतना कम करेंगे, इस तरह से। तो जब ये काम हो गया, तो उसके बाद अब ये जो संगठन है हमारा, या फिर समिट होती है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, अब ये बात करती है कि ऐसे कौन से लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो सकते हैं जिनसे जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसको बेनिफिट हो, यानी कि वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो इन विषयों में क्या समस्याएं हैं, इन विषयों की चर्चा होती है। तो देखिए, इस वर्ष की जो समिट की थीम है वो है पार्टनरशिप फॉर रिसाइलेंट प्लानेट, पार्टनरशिप फॉर ए रिसाइलेंट प्लानेट, तो ये इस वर्ष की थीम है। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की। देखिए, आई थिंक मैंने पहले रिसोर्स को रिसर्च कह दिया है, तो आप उसे करेक्ट कर लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो ये जो TERI है, ये एक तरह से रिसर्च का काम करता है, और ये किन क्षेत्रों में देखिए रिसर्च करता है, एनर्जी के क्षेत्र में, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास के क्षेत्र में ये रिसर्च करता है। और 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए, पहले इसका नाम था टाटा एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, बाद में इसका नाम बदल के द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट कर दिया गया 2003 में। तो अब देखते हैं कि भारत ने अपने क्या पक्ष रखे हैं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में। देखिए, पहले तो भारत ने यह कहा कि जो हमारा ट्रेडिशन है, यानी हमारी परंपरा रही है, संस्कृत रही है, वो कभी भी उपभोक्तावादी नहीं रही है, यानी कि हम रिसाइकिल की प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं, और हम इस तरह से रहे हैं कि हमने जो पर्यावरण है उसको क्षति नहीं पहुँचाई है, हमने सदैव ही सतत विकास को जोर दिया है। उसके साथ ही देखिए, जो भारत है वो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जैसे कि मेट्रोज में इन्वेस्टमेंट करना और इस तरह से। तो देखिए, इससे क्या होगा कि जो सड़कों पर निजी वाहनों का भार है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या होती है, वो कम होगी। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो देखिए पर्यावरण की समस्या जो है उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि वहाँ पे निजी वाहन बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसी समस्या भारत को फेस ना करना पड़े, तो इसके लिए भारत जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ऐसा हमने बताया। जो लोग आए थे विश्व कम्युनिटी के, जो लोग आए थे उनके सामने हमने अपनी ये बात रखी। फिर ऐसे ही सोलर अलायंस, तो आप जानते होंगे कि भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर एक सोलर अलायंस का गठन किया है, और भारत का ये लक्ष्य भी है कि 100 गीगावाट जो एनर्जी है वो सोलर माध्यम से होगी, यानी सौर ऊर्जा 100 गीगावाट उत्पन्न करेगा भारत। और इसी के साथ देखिए, हाउसिंग फॉर ऑल भारत दे रहा है, यानी अपने सभी नागरिकों को हाउस देने का लक्ष्य रखा है। पावर फॉर ऑल, यानी सभी नागरिकों को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। तो देखिए, इससे क्या होगा, अगर सभी नागरिकों को बिजली मिलेगी तो फिर क्या होगा कि वो जो लकड़ी है, कोयला है, ऐसे जो स्रोतों पर निर्भर हैं उनकी निर्भरता कम होगी, तो इससे भी जो इन्वायरमेंट है उसको फ़ायदा होगा।
इसी के साथ जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है और कोपेनहेगन प्लेज है, यानी कोपेनहेगन में जो भारत ने वादे किए थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम उनको भी निभा रहे हैं। तो इस विषय में इन दोनों को अभी हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये अभी अभी देखिए समिट में इन दोनों का नाम आया है, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए कि इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है और कोपेनहेगन प्लेज क्या है। तो चलिए इन्हें देखते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं। इससे पहले मैं आपको सीओपी के विषय में बता देता हूं, क्योंकि ये जो प्रकाश में आया वो सीओपी 19 में आया था, यानी सीओपी 19 जो हुआ था वार्सा में, वहां ये प्रकाश में आया इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। तो देखिए सीओपी क्या है, 1992 में एक अर्थ समिट हुई, ये पर्यावरण को लेकर थी, और इसमें एक देखिए कन्वेंशन हुआ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो देखिए इसके अंतर्गत कुछ समझौते किए गए, और फिर जिन देशों ने समझौते किए थे 1995 में वो एक बार फिर से मिले, और जब ये 1995 में मिले तो इनकी जो बैठक है वो कहलाई सीओपी, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी 1992 के समझौता करने वाले जो देश थे वो 1995 में मिलते हैं, और यही देश कहलाए सीओपी, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये सीओपी फिर तब से लगातार मिलने लगा। तो जब सीओपी की 19वीं बैठक हुई वार्सा में, तो ये माना गया कि हर देश को अपने अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, जैसी उसकी क्षमता है उसके आधार पे, और फिर उन लक्ष्यों के हिसाब से अपने यहाँ का जो पर्यावरण की समस्याएं हैं उनसे लड़ने के लिए कुछ करना चाहिए। तो देखिए इसी सीओपी 19 के अंतर्गत, वार्सा के अंतर्गत जो है कुछ लक्ष्य लेना थे। तो जब सीओपी 21 होने जा रहा था, यानी आप जानते हैं जो बहुत फेमस है पेरिस समिट जो हुई थी, पेरिस में हुआ था सीओपी 21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 21वीं बैठक थी, तो इससे ठीक पहले, यहाँ पर भाग लेने जाने से ठीक पहले, भारत ने जो अपना INDC है, यानी इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत जो भारत के लक्ष्य हैं कि भारत क्या क्या करेगा पर्यावरण को एक तरह से जो क्षति हो रही है उसे कम करने के लिए, तो उनको घोषित किया, याद रखिएगा, सीओपी 21 में जाने से पहले। तो वही लक्ष्य जो है वो कहलाते हैं INDC भारत के। तो देखिए अब हम देख लेते हैं कि भारत ने क्या क्या लक्ष्य लिए। तो देखिए पहले तो भारत ने एक लक्ष्य ये लिया कि जो इमिशन की इंटेंसिटी है, इसे आपको मैं यहीं पे समझा देता हूँ कि ये इंटेंसिटी वर्ड का क्या मतलब है GDP से। अब मान लीजिए कि भारत की GDP प्रतिवर्ष 7% की दर से बढ़ रही है, तो इस हिसाब से देखिए जो इमिशन है वो भी 7% की दर से बढ़ेगा, क्योंकि हम जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे उतनी ही ज़्यादा जो हमारी एक तरह से कार्बन का उत्सर्जन है वो भी होगा, उतना ही ज़्यादा हमारी फैक्ट्रीज में धुआं निकलेगा और ये सारी चीज़ें होंगी। तो भारत ने कहा कि नहीं, उसी दर से हम GDP जिस दर से बढ़ रही है उसी दर से हम अपने इमिशन को नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि जो उसकी इंटेंसिटी है यानी उसकी जो रफ्तार है उसे हम कम करेंगे, और कितना कम करेंगे, 30% से 35%। तो पहली बात तो ये कही। उसके साथ ही भारत ने कहा कि हम कुछ ऐसा करेंगे जैसे वन लगाना और इस तरह से कि 2.5 से 3 बिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको 2030 तक हम अवशोषित कर लेंगे, यानी कि जो पर्यावरण में मुक्त हुई है कार्बन डाइऑक्साइड 2.5 से 3 बिलियन टन, हम उसको पुनः अवशोषित कर लेंगे, और इसके लिए कई सारे माध्यम हो सकते हैं जैसे वृक्षारोपण इत्यादि। उसके साथ ही भारत ने 1,75,000 मेगावाट या 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य लिया, यानी 2022 तक भारत ने कहा हम ये भी करके दिखाएंगे। तो देखिए ये सारी चीज़ें INDC के अंतर्गत आती हैं। तो अब अगर आपके सामने आता है कि इनमें से INDC का कौन के तहत कौन सा भारत का लक्ष्य है या कौन सा नहीं है, तो आप इन तीन लक्ष्यों को याद रखिए और इनमें आप गलत करके मत आइए। तो अब बात कर लेते हैं कोपेनहेगन एग्रीमेंट की। इसे COP 15 भी कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15, और क्योंकि कोपेनहेगन में हुआ तो इसीलिए कोपेनहेगन एग्रीमेंट कहते हैं इसको। तो देखिए ये पहली बात तो है कि लीगली बाइंडिंग नहीं है, यानी किसी भी देश पे ऐसा नहीं है कि आपको इसे करना ही करना पड़ेगा, कोई प्रतिबंध वगैरह नहीं लगेगा। और देखिए ये यूनाइटेड स्टेट्स एक तरफ था इसमें जब ये हो रहा था एग्रीमेंट, और दूसरी तरफ थे बेसिक नेशंस। बेसिक का मतलब है चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील। तो इन सब ने मिलकर एक समझौता किया, वही कोपेनहेगन एग्रीमेंट कराया कहलाया। तो देखिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे ये कहा कि जो UNEP की गैप रिपोर्ट है, अगर आता है गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP गैप रिपोर्ट जारी करता है, ये याद रखिए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो UNEP की गैप रिपोर्ट है वो बताती है कि भारत ने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए थे भारत उनको पूरा कर रहा है। तो देखिए भारत ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया था, भारत ने कहा था कि जो 2005 है उसको हम आधार वर्ष मानेंगे, और फिर जो GDP के अनुपात में हमारा एमिशन बढ़ रहा है, यानी कि मान लीजिए अगर GDP 7% की दर से बढ़ती है तो उस हिसाब से जितना एमिशन बढ़ के हो जाना चाहिए हम उतना ही नहीं होने देंगे, यानी कि उसकी जो रफ्तार है उसमें हम 20
20% से 25% कटौती करेंगे, और ये 2020 तक के लिए बात कही गई थी कि 2005 को हम लेवल मानेंगे और 2020 तक हम 20 से 25% जो इंटेंसिटी है उसमें कटौती कर देंगे। तो देखिए इसके साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बात ये भी कही कि जो कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इक्विटी, यानी कि देखिए सभी के ऊपर जिम्मेदारियां तो होना चाहिए लेकिन ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो देश विकास कर चुके हैं यानी जो विकसित हो चुके हैं और जो विकासशील देश हैं उनकी जो एक तरह से जरूरतें हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंतर है, तो ऐसे में सभी पे एक जैसी शर्तें नहीं थोपी जाना चाहिए, और जो ये विकासशील देश हैं इनको टेक्नोलॉजी फाइनेंस ये सब मुहैया कराना चाहिए जिससे कि ये अपना डेवलपमेंट भी कर सकें और साथ में जो पर्यावरण है उसे क्षति पहुँचाने से भी बचा सकें। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।